वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्सी। यहाँ पर मैच हो रहा है एएफसी चैंपियंस लीग का मेलबर्न सिटी और वेंट फॉरेट कोफू की टीम के साथ। मतलब ये मुझे मैच नहीं लग रहा, ये मुझे जोक लग रहा है, मजाकिया मैच होता है ना बच्चों का, वो मैच लग रहा है। अब आप ये लगा लो मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ, आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो मैं जैसे मजाकिया मैच की बात कर रहा था तो इसलिए कर रहा था क्योंकि एक तरफ मेलबर्न सिटी जो कि ऑस्ट्रेलियन लीग की सबसे टॉप टीम है, टॉप फाइव टॉप थ्री में रहने वाली टीम, कई बार तो टॉप टॉप रैंकिंग में विनिंग करने वाली टीम, मेलबर्न सिटी का मैच हो रहा है जापान की J2 लीग की टीम के साथ। दूर दूर तक कोई चांस नहीं है VK टीम के जीतने के, दूर दूर तक अगर मैं देखूँ। मेलबर्न सिटी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी टीम, ठीक है सबसे, और जापान की J2 लीग की टीम। J1 की भी होती तो मैं बोलता कि मेलबर्न सिटी हारने के चांस है, लेकिन मेलबर्न सिटी कहाँ से हारेगी? J2 यार, J2 तो बच्चे हो गए भाई मेरी नज़र में, तो ये तो अंधाधुंध जीतना चाहिए मेलबर्न सिटी को। पिछले मैच में मैंने देखा कि इन्होंने एक मैच हुआ था जिसके अंदर इन्होंने बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप आउट करके कैप्यूटो को खिलाया, इन्होंने इसको खिलाया, टी एर्सलन को खिलाया, लोपेन को खिलाया, सखी को खिलाया, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ आज बड़े प्लेयर खेलें, तो जैमी मैक्लेरन एंड एम लैकी की बहुत दिनों से वेट है, बिकॉज मैंने मैचेस तो हुए हैं, सेकंड लास्ट मैच में भी दोनों खेले थे बट मैंने नहीं कवर किया था, तो मैं चाहता हूँ कल मैं कवर करूँ तो ये दोनों खेल रहे हों, सो मैं इसको लूँगा। और ऑपोजिशन टीम की बात करें तो उनके दो प्लेयर हैं जो मेन है मेरी नज़र में, एक है भाई उनका मियाज़ाकी, एक है इनका मित्सुहिरा, ठीक है। मित्सुहिरा के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता जितना कि मैं मियाज़ाकी के बारे में जानता हूँ। मियाज़ाकी रेयर गोल्स के लिए जाना जाता है बट बहुत रिस्की गोल्स के लिए, सो और मित्सुहिरा के बारे में मेरे को खास नहीं नॉलेज, सो ऐसा करो आप मियाज़ाकी को लो जिसके बारे में पता है उसको लो। एंड मिडफील्डिंग सेक्शन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं लूँगा टी एर्सलन को, जिसने पिछले मैच में मेरे को जिताया था, ये ना होता तो जीत तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है, क्योंकि इस बंदे की पेनल्टी पहले मिस हो गई फिर इसने गोल कर दिया, सो हमारी टीम थोड़ी आगे निकल गई, जिस कारण क्लीन शीट लगने के बाद हम सीधा ओपोनेंट से 20-30 पॉइंट्स के मार्जिन से जीते थे। मानता हूँ कम है लेकिन 20-30 पॉइंट भी बहुत होते हैं मेरे लिए। एंड आगे से अगर बात करें हासेगावा को लेंगे, हासेगावा के बाद जो हमारा अगला प्लेयर है वो लोगों ने जो लिया हुआ है वो तो लिया है देखो VK टीम का कौशिक, बट मैं कहूँगा हाई गोल स्कोरिंग मैच होने वाला है, डिफेंडर तो लेना मत, इससे बढ़िया इसी को ले लो, ठीक है। लोपेन को हम लेंगे नहीं, लोपेन की जगह मैं आपको प्रेफर करूँगा, मैं जो अगर आपको प्रेफर करूँगा तो अगर आपने यहाँ से प्लेयर उठाना है क्या बोलते हैं मिडफील्डिंग सेक्शन से तो आप सखी को लो, बट अगर उठाना है ही नहीं तो मैं कहूँगा चार डिफेंडर ले लो। एंड्रियस उगरकोविक, हाँ भाई इसको भूल गया, उगरकोविक तो है ही मिडफील्डर और कहाँ दिख रहा है आपको डिफेंडिंग में, तो फ़ायदा है एक तो भाई बंदा असिस्ट भी करेगा, ऊपर से क्लीन शीट के पॉइंट भी देगा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी अगला लूँगा क्रेग गुड, ठीक है। क्रेग गुड के बाद जो हमारा अगला प्लेयर है दैट वॉज सी टैलबोर्ड, बहिशनी का श्योर नहीं है, ठीक है। एंड आगे से अगर बात करें गोल कीपिंग की, कवाता, ठीक है। एंड आगे से अगर बात करें कप्तान की, देखिए अगर एर्सलन खेलता है वेल एंड गुड, बट मैं अभी जैमी को रखता हूँ वाइस कप्तान एर्सलन को, क्योंकि अभी श्योर नहीं है। और बात रही मियाज़ाकी की, मियाज़ाकी को कभी भी बदल के कोई भी मिडफील्डर ले सकते हो, डिफेंडर इसलिए मना कर रहा हूँ कि पॉइंट माइनस हो सकते हैं डिफेंडर लेकर, क्योंकि मेलबर्न सिटी ने अगर ज़्यादा गोल कर दी तो आपको दिक्कत आ जाएगी, तो आप मियाज़ाकी को कभी भी ड्रॉप आउट कर दो, ये कोई मस्ट पिक नहीं है, तो फालतू पिक है ये, तो रेयर पिक मैं कहूँगा, क्योंकि मियाज़ाकी J2 में इतना कम चलता है तो मेलबर्न सिटी के सामने कहाँ ही चलेगा, ये तो एक मैं कहूँगा मजबूरी वाली बात है, आपने लेना है तो ले लो, नहीं लेना मजबूरी में तो भाई सीधा कोई मिडफील्डर पिक कर लेना कल लाइनअप्स के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।